स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल नेचर फैक्ट की दुनिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक रहस्यमय गड्ढे के बारे में जो सिर्फ हीरे उगलता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पूर्वी साइबेरिया में हीरे की कैसी खदान है जिसे रहस्यमय बताया जाता है। सोवियत संघ के समय में 3 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। उन्होंने यहाँ पर एक अजीब सा पत्थर पाया था जिसके बाद से इस गड्ढे को और गहरा खोदना शुरू किया गया था। 1722 फीट गहरी और 3900 फीट चौड़ी है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित गड्ढा है। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि इस गड्ढे ने रूस को प्रतिवर्ष 10 लाख कैरेट यानी करीब 2000 किलो हीरे दिए हैं, लेकिन फिर कुछ घटनाओं के बाद इसे बंद कर देने का फैसला लिया गया। 1955 में हुई थी इसकी खोज। इस खदान को 13 जून 1955 को सोवियत भूविज्ञानिकों की एक टीम ने खोजा था। इसे खोजने के लिए सोवियत जियोलॉजिस्ट यूबी खबरदीन को 1957 में लेनिन प्राइज दिया गया था। इस माइन के विकास का कार्य 1957 में शुरू किया गया था। करीब 45 सालों तक इसमें से जमकर हीरे निकाले गए, लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं था इस माइन को खोदना। इस माइन को सही आकार और गहराई देने में सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं। महंगी मशीनें और हजारों डॉलर का नुकसान तो यहाँ के मौसम ने ही कर दिया था। सर्दियों में यहाँ तापमान इतना गिर जाता है कि गाड़ियों में तेल भी जम जाता है और टायर फट जाते हैं। बाद में ठंड से मशीनें खराब ना हो जाएं, इसलिए पूरे खदान को ऊपर से ढक दिया जाता है। इस खदान की खोज के बाद रूस हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया था। गड्ढे की खुदाई के लिए हुआ था जेट इंजन का इस्तेमाल। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ का मौसम सब कुछ जमा देता था, वहीं बर्फ पिघलने से बड़ी बड़ी मशीनें जमीन में समा जाती थी। ऐसे में बर्फ ना जमे इसके लिए विमान के इंजन की मदद ली गई थी। इससे वहाँ पर गर्मी बनी रहती थी और डायनामाइट से चट्टानें उड़ाई जाती थी। जानकारों का कहना है कि यह काम करने के लिए दुनिया की सबसे मुश्किल जगह थी, जहाँ जेट इंजन और डायनामाइट के धमाके कान के पर्दे फाड़ने के लिए काफ़ी थे। फिर शुरू हुए हादसे। रूसी वेबसाइट के मुताबिक सन 2000 के बाद इसका प्रोडक्शन धीमा पड़ गया था। इसी दौरान इसके ऊपर से गुजरते हुए कुछ हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। माना जाता है कि ऐसा इस गड्ढे के दबाव के कारण हुआ था। एक्सपर्ट्स का तर्क है कि गड्ढा इतना भीमकाय था कि अंदर की ओर बहने वाली हवा ऊपर से होकर गुजरने वाले हेलीकॉप्टर को खींच लेती थी, जिससे हादसे होते थे। लगातार कई मौतें भी हुईं। इसके बाद 2004 में इसकी आगे की खुदाई बंद कर अंडरग्राउंड माइनिंग शुरू कर दी गई। फिर 2011 में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।